खंड में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे दोस्तों लेंस और सीखेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्फेरिकल रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, राइट? चलिए अब हम यहां पर देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू टू सर्फेसिस, रिफ्रैक्शन थ्रू टू सर्फेसिस। अब बेसिकली ये लेंस होता क्या है? अ ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस दैट फोकसेस और डिस्पर्स लाइट बीम बाय मींस ऑफ रिफ्रैक्शन, बाय मींस ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ध्यान देने के दोस्तों, आपने लेंस बहुत जगह पढ़ा होगा, आपकी आंखों में भी लेंस है, राइट? फिर अब किसी को दिखता नहीं है प्रॉपरली, वो लेंस लगवाने जाता है एडिशनल, फिर आप पूछते हो कितना पावर है ये वो, हम सब चीज डिस्कस करेंगे वीडियो में, राइट? तो देखते हैं दोस्तों, यहां पर टाइप्स ऑफ लेंस की बात करें तो दो टाइप्स ऑफ लेंस होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग लेंस और एक होता है डाइवर्जिंग लेंस, राइट? कन्वर्जिंग लेंस मतलब मान लीजिए कि ये लेंस है, ठीक है, और ये कोई लाइट रे आ रही है यहां से पैरेलल, लाइट रे आ गई ऐसे पैरेलल। अगर इस लेंस में लाइट को कन्वर्ज कर दिया एक पॉइंट पे, सच लेंसेस आर कॉल्ड इज कन्वर्जिंग लेंस, राइट? 90% केस में, या मैं बोलूं 95% से ज्यादा केस में, इस लेंस का नाम होता है बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है कि कॉन्वेक्स लेंस रेस को कन्वर्ज कर देता है, बट ये 100% सही नहीं है दोस्तों, आपको मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में, राइट? चलिए यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस कैसा बनाया जाता है? डाइवर्जिंग लेंस ऐसा बनाया जाता है, हम बोलते हैं जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब जो पैरेलल लाइट आती है ये इसको डाइवर्ज कर देता है, पैरेलल लाइट को डाइवर्ज करता है, ऐसा, क्लियर? अब ध्यान से देखिए दोस्तों क्या बता रहा हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहां पर जो कॉन्वेक्स लेंस है बेसिकली उसने क्या किया, कन्वर्ज कर दिया। हमको सबसे पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में हम डिफरेंस कैसे पता करेंगे। लेंस को देखो उसकी तोंद से, लेंस को देखो उसकी तोंद से, अगर तोंद बाहर निकली हुई है, अगर तोंद बाहर निकली हुई है तो वो है कॉन्वेक्स, और अगर अंदर है तो वो है कॉनकेव। यहां पर आप देख सकते हैं सेंटर पे क्या ये फूला हुआ है, इसका मतलब ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है, और यहां पर देख सकते हो आप जो पतला है बेचारा वो कॉनकेव लेंस है। तो आपको आप इजीली डिफरेंशिएट करना आ गया होगा कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में हम डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, राइट? अब रखता हूं मैं आपके सामने ब्रह्मांड का ज्ञान। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि मैंने एक लेंस लिया कॉन्वेक्स लेंस, और यहां से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, क्या ये दोस्तों पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, राइट? ये लाइट ऐसे चली गई, ये लाइट ऐसे चली गई, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? आपको दिख रहा होगा कि ये जो रेज आ रही है ये रेज को तो ये डाइवर्ट कर रहा है, और ये तो दिखने में तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो इसको तो कन्वर्ज करना चाहिए, बट ये भी पॉसिबल है, ये जो लेंस आपको दिख रहा है ये भी रेज को डाइवर्ट कर सकता है। कब? जब मेरा मीडियम अलग हो, मतलब ये जो है मीडियम ऑफ म्यू ऑफ सराउंडिंग है और ये म्यू है ग्लास, यस लेंस बन गई, राइट? अगर मेरा सराउंडिंग का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है सराउंडिंग ज्यादा हो गया म्यू ऑफ ग्लास से, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, सारा खेल बदल जाएगा। हम हमेशा क्या मानते हैं, बचपन से लेके अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि इसका जो म्यू होता है वो बेसिकली सराउंडिंग से ज्यादा होता है, जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सराउंडिंग से ज्यादा होता है, लेकिन हर केस में ऐसा आपको मिले ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि नॉर्मली केस में तो ये होगा ही सही कि जो मटेरियल होता है उसका म्यू, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा दिखे रहते हैं, तो आप कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग बोल सकते हैं, लेकिन उनको ब्रैकेट में लिख देना कि हमने माना है मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो आप कंसेप्चुअली एकदम 100% स्ट्रॉन्ग और क्लियर और एक्यूरेट भी होंगे, ठीक है दोस्तों? चलिए अब
तो हम नॉर्मली ये वाला केस नहीं लेते हैं। ये वाला केस स्पेशल केस आता है जब आपको ट्रैप करना होता है एग्जामिनर को, तब वो ऐसा केस देता है आपको, वो बोलता है कि बच्चों करके दिखाओ। ठीक है चलिए, तो आपको किसी के भी ट्रैप्स में उलझना नहीं है, आपको निकलना है खुपा ज्ञान, एकदम करेक्ट आंसर निकाल लाना हर सिचुएशन में। अच्छा अब एक लेंस को अगर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो बेसिकली लेंस क्या करता है, लेंस इज नथिंग इट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू टू सर्फेसेस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू टू सर्फेसेस, एक बार रिफ्रैक्शन इस सर्फेस पे होगा, एक बार रिफ्रैक्शन इस सर्फेस पे होगा, दो सर्फेस पे होगा। अब आप बोलोगे सर 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 आपने रिफ्रैक्शन ऑफ टू सर्फेस तो ग्लास स्लैब में भी पढ़ाया था, ग्लास स्लैब आपको ध्यान होगा मैंने ग्लास स्लैब बनाई थी, ये थर्ड एम्पायर का सिंबल नहीं है, मैंने ग्लास स्लैब बनाई है, तो यहां से लाइट रहती है तो क्या शिफ्ट होती है, शिफ्ट होती है, क्यों शिफ्ट होती है, क्योंकि यहां भी रिफ्रैक्शन होता है और यहां भी रिफ्रैक्शन होता है। तो ग्लास स्लैब और लेंस क्या सेम सेम है? नहीं नहीं नहीं, ग्लास स्लैब और लेंस में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। देखो क्या डिफरेंस है, अगर मैं इस तरह का एक स्लैब लेता हूं, ये देखिए ये स्लैब है और एक तरह से स्फेरिकल सरफेस, अब बताओ दोस्तों क्या ये लेंस है, क्या ये लेंस है, मेरा क्वेश्चन है आपसे क्या ये लेंस है दोस्तों, क्या ये लेंस है, लेंस है या नहीं, यस और नो में आपको बताना है, यस और नो, यस और नो। अगर आपका आंसर नो है तो दोस्तों बहुत दुख की बात है, ये आपका आंसर गलत हो गया। ये लेंस है, ये लेंस है, ये लेंस है, कैसे लेंस है, ये बेसिकली हमारे पास दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है थिक लेंस और एक होता है थिन लेंस, एक होता है थिक लेंस और एक होता है थिन लेंस। बचपन से लेके अभी तक हम सिर्फ थिन लेंसेज की बात करते आए हैं, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारा संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जैसे हम संपूर्ण रामायण देखते सेम टू सेम संपूर्ण ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। तो बेसिकली ये लेंस है थिक लेंस और ये लेंस है थिन लेंस, हमें हमारे सिलेबस में और ज्यादातर प्रॉब्लम थिन लेंसेज पे ही पूछा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको थिक लेंस का ज्ञान नहीं होना चाहिए। ठीक है अब आप बोलोगे कि ये लेंस किसे डिफाइन कर दिया, तो फिर इस हिसाब से ये भी लेंस होना चाहिए, नहीं दोस्तों डिफरेंस है, डिफरेंस है, डिफरेंस है। अगर आपकी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस में से कोई एक मिनिमम एक स्फेरिकल होना चाहिए शेप में, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस में से एक मिनिमम एक, एक या दो दोनों हो सकती है, अगर मिनिमम एक स्फेरिकल सरफेस है तो बेसिकली इसको मैं बोलता हूं लेंस और ये हो गया मेरा ग्लास लैब। क्या चीज समझ में, क्या चीज, क्या पिक्चर क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब उन्होंने कॉम्बिनेशन बना बना के बहुत सारी चीजें हमारे सामने रख दी और अलग अलग लेंस बना दिए, अलग अलग लेंस बना दिए। ठीक है तो यहाँ पर डिफरेंट शेप दिख रहे होंगे, आधा दूधा आधा 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 ऐसे ऐसे अजीब अजीब लेंस बने वाले। अब आपको एक चीज आपको दिख रही होगी यहाँ पे कि ये मेरी रिफ्रैक्टिंग सर्फेस वन है, ये मेरी रिफ्रैक्टिंग सर्फेस टू है, सिमिलरली ये मेरी रिफ्रैक्टिंग सर्फेस वन है, ये मेरी रिफ्रैक्टिंग सर्फेस टू है। इनके पास दो दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है और उन्होंने बोला कि ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस दैट फोकसेस और डिस्पर्स, या तो वो फोकस करेगा या डिस्पर्स करेगा, डिपेंड्स ऑन द नेचर। ठीक चलिए अब ध्यान देखिए, इस तरह के लेंस को बेसिकली जो बीच में से मोटा है, जो बीच में से मोटा है, मेरी टोंद नहीं है वरना मैं निकाल के बताता आपको, जो बीच में से मोटा है वो कौन है, वो कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है, कंफ्यूज मत होना दोस्तों, जो बीच में से मोटा है वो कॉन्वेक्स है, वो कॉन्वेक्स है, तो यहां पर यह जाएगा मेरा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है लेकिन अभी इधर भी कॉन्वेक्स सरफेस है और इधर भी कॉन्वेक्स सरफेस है, दोनों तरफ कॉन्वेक्स सरफेस है, तो इसको मैं शुद्ध अंग्रेजी में बाय कॉन्वेक्स लेंस भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं दोस्तों, बाय कॉन्वेक्स लेंस। जैसे मैं बाय कॉन्वेक्स लेंस बोलूंगा आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि हाँ इधर भी कॉन्वेक्स दोनों तरफ कॉन्वेक्स, इसलिए बाय कॉन्वेक्स। सिमिलरली क्या आप इसका नाम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, बहुत स्मार्ट है। तो ये हो जाएगा मेरा बाय कॉनकेव लेंस, क्या हो जाएगा दोस्तों ये बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है ये बाय कॉनकेव हो गया। अगला लेंस देखते हैं, ये दिख रहा होगा कि एक तरफ से तो फूला हुआ है और एक तरफ से स्ट्रेट है, एक तरफ से स्ट्रेट है, तो बेसिकली इसको बोलते हैं एक तरफ से किसा कॉन्वेक्स, तो ये हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स। आप समझ जाएंगे कि एक तरफ से प्लेन दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको नाम इसका पता पड़ गया होगा दोस्तों, इतनी देर में तो फटाफट ये जाएगा प्लेनो कॉन्केव लेंस, प्लेनो कॉन्केव लेंस।
प्लेनो कॉन्केव लेंस। अच्छा, ये चंद्रमा दिखाया आपने शिव जी के सिर पे, दिखा होगा शिव जी के सिर पे जैसे चंद्रमा है, क्या वही चंद्रमा यहाँ बना हुआ है? बस थोड़ा मैंने टेढ़ा कर दिया। बेसिकली ये लेंस है और आपको दिख रहा होगा कि ये जो लेंस है थोड़ा अजीब है। एक सरफेस तो इसकी कॉन्वेक्स है और एक सरफेस इसकी कॉन्केव है, राइट? मतलब हुआ क्या है, हुआ ये है कि अगर मैं इसको पलटा दूं, ऐसे ध्यान से देखो, इसको मैं पलटा दूं ऐसे, ये चीज और इसके पीछे ये वाला पीछे वाला पार्ट दो और ये वाला आगे वाला पार्ट दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो आपको दिखेगा कि इस तरह का शेप मुझे मिल जाएगा। अगर इस तरह का शेप मुझे मिलता है, एक साइड कॉन्केव है और एक साइड कॉन्वेक्स है, तो इसका नाम होता है कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। कॉन्केवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉन्केव दोनों सेम बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्या यहां तक की पिक्चर आपको क्लियर है? क्या दोस्तों आनंद आ रहा है? बस आनंद आते रहना चाहिए, सीखते जाइए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विद द लेंस। फर्स्ट वन, ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? बेसिकली लेंस का सेंटर पॉइंट जहां से मेरी प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है, जहां से मेरी प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। अब कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो सीधी निकल जाती है इंडिकेटर। कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है दोस्तों तो वो सीधे निकल जाती है स्ट्रेट। क्लियर? चलिए सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता है मिरर में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर का, राइट? क्या पढ़ा था कि एक स्फीयर लो, स्फीयर में से एक मिरर कट करो, सो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर वही होगा जो स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर? जो स्फीयर का सेंटर है वही मेरे मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। गॉट इट? चलिए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर सर ये रिफ्रैक्टिंग सर्फेस वन है, ये रिफ्रैक्टिंग सर्फेस टू है, राइट? तो अब अगर मैं इस पार्ट को एक स्फीयर बनाऊं तो ये स्फीयर कुछ ऐसा होगा, ये स्फीयर, इसका सेंटर कुछ यहां होगा। बेसिकली दिस कॉल्ड अ C1, C1 मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट यहां रखी, यहां से आ रही है तो ऑब्जेक्ट यहां कहीं लगा है, ऑब्जेक्ट कर गए इधर कहीं लगा है, अब लाइट इधर से स्टार्ट होगी ऐसे, राइट? तब मैं बोलता हूं जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सर्फेस ये हुई और सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सर्फेस ये हुई। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट यहां होता तो मैं फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये लेता, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये लेता। क्लियर? चल इसका मतलब अगर मैंने ऑब्जेक्ट ये लिया है तो मेरा फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली यहां कहीं सी, राइट? अब अगर ये बाय कॉन्वेक्स है, अगर ये R1 R2 इक्वल है तो ये डिस्टेंसेस इक्वल आएगी, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से C2 की, ऑप्टिकल सेंटर से C1 की। बट अगर दोनों R डिफरेंट डिफरेंट है, ऐसा भी हो सकता है, सारे केसेस पॉसिबल है, अगर दोनों आर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट डिफरेंट है तब सेंटर ऑफ कर्वेचर भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर आ रही है। क्लियर? चलिए दोस्तों तो लेते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। अभी तक 10th स्टैंडर्ड तक, 11th स्टैंडर्ड तक हमने फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस की कोई बात नहीं की होती है। अब हम देखेंगे बेसिकली फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस होता क्या है किसी लेंस के लिए। देखिए, सो द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस मींस इट इज अ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना दोस्तों, इट इज अ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच द इमेज इज फॉर्मेटेड इन 3D। हम क्या करते हैं, किस पॉइंट पे हम ऑब्जेक्ट को रखें ताकि उसकी इमेज का बनना चाहिए इन्फिनिटी, वो पॉइंट क्या बोलते हैं फर्स्ट फोकस। क्लियर? अब सेकंड फोकस क्या होता है? सेकंड फोकस मींस सेम एज दैट, इट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां पे इमेज रहेगी ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज फॉर्मड एट इंफिनिटी। बस इमेज की जगह ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह इमेज रहेगी, राइट? अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लेंस को इन तीन तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? जो नॉर्मली हम लेंस ऐसा बनाते हैं, ये इसको ऐसा ना बनाते हुए हम ऐसे ऐसे या ऐसे भी बना सकते हैं, राइट? ना
अभी हमने क्या किया, मान लीजिए मैंने लेंस ली गई है, ठीक है, अगर ये लेंस लिया मैंने, तो अब क्या होगा, यहां से यहां पे ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट किससे चलती है, रेस, ऑब्जेक्ट से क्या चलेगी, दोस्तों रेस चलेगी, ये चली रेस ऐसे, ये चली रेस ऐसे हर डायरेक्शन में। अगर ये रे, अगर ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पहले होगी तो बेसिकली क्या इमेज इंफिनिटी में बनेगी, इमेज क्या बनेगी इंफिनिटी में। अगर इमेज इंफिनिटी में बन गई, इस पॉइंट को बोलूंगा मैं फर्स्ट फोकस, इस पॉइंट को बोलूंगा मैं फर्स्ट फोकस, राइट। चलिए सेकंड केस, अगर मान लीजिए कि मेरी रेज इंफिनिटी से आ रही, मतलब ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी में, ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी में, इंफिनिटी से आने वाली रे अगर किसी एक पॉइंट से पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को बोलता हूं मैं फोकस टू, सेकंड फोकस, क्या बोलता हूं उसको मैं सेकंड फोकस। अभी तक हम जो बचपन से लेके अभी तक पढ़ते आए हैं वो सेकंड फोकस ही पढ़ते आए हैं, हम ज्यादातर सेकंड फोकस के बारे में ही बात कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो याद है दोस्तों इमेज का होती है फोकस पे, वो फोकस कौन सा होता है, सेकंड फोकस होता है, क्लियर, वो कौन सा फोकस होता है, सेकंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, इमेज किसी पॉइंट पे बन रही हो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस एंड मोर स्पेसिफिकली इट इज सेकंड फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, क्लियर। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला स्कूल में भी इंपॉर्टेंट है काफी, और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको समझना है बड़े ध्यान से। शुरू होते हैं, यहां पर हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला से बेसिकली हम क्या डेराइव कर लेंगे, हम इक्वेशन ऑफ लेंस भी डेराइव कर देंगे, राइट। अब मान लीजिए ये लेंस है, राइट, ये ऑप्टिकल सेंटर। अब मैं थोड़ा केस ले लेता हूं जिसकी, मान लीजिए आर वन है, ये आर टू है, आर वन आर टू क्या है, बेसिकली रेडियस है दोनों मिरर की, या दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, ऐसा बोलो, मिरर नहीं बोलना चाहिए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस दोनों की आर वन आर टू है, ठीक है, रेडियस है दोनों की अलग अलग। अब मान लीजिए मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पर रखा है मेरा ऑब्जेक्ट, क्लियर, ऑब्जेक्ट रखा है यहां से मान लीजिए u डिस्टेंस पे, ठीक, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हुई u। अब इसकी कुछ थिकनेस होगी t, मान लेता हूं ये थिकनेस t है, ठीक है, फिर यहां से डिस्टेंस इमेज की होगी कुछ ना कुछ फाइनल इमेज बनेगी, राइट। लेकिन हमें क्या अजम्पशन मानना पड़ता है, हमें अजम्पशन मानना पड़ता है कि जो लेंस है बहुत थिन है, क्या है, बहुत थिन है। अगर लेंस को मैं थिन मान लेता हूं तो ये थिकनेस क्या ऑलमोस्ट नेगलिजिबल रहेगी, अगर ये नेगलिजिबल हो गई तो बेसिकली जितनी भी डिस्टेंस आएगी अब वो मेरे सेंटर से आएगी, राइट, जितनी भी डिस्टेंस आएगी वो सेंटर से आएगी, राइट। अब इमेज कहां बन रही है पता नहीं है तो मैं भी रखता हूं, लेकिन उसके पहले हमें एक चीज समझना है कि यहां पर कितनी सर्फेस है, दो, तो रिफ्रैक्शन कितनी बार होगा, दो बार। चलिए मान लीजिए ये रे आ रही मेरी ऐसे, करेक्ट, ये रे आ रही मेरी ऐसे, अब ये कुछ ना कुछ रिफ्रैक्ट होगी, कुछ ना कुछ रिफ्रैक्ट होगी 100%, ठीक है। मान लीजिए ये वन है, ये म्यू है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि ज्यादा है वन से, राइट। अब जब भी कोई रे आती है कहां से, कहां, रेयर और मीडियम से डेंसर मीडियम, तो क्या टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, इसका नॉर्मल कैसे बनेगा, इसका नॉर्मल बनेगा लगभग ऐसा, ठीक है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, मान लीजिए ये कुछ बेंड हुई इस इधर, राइट। चलिए अब क्या होगा दोस्तों, अब आपको दिख रहा होगा कि यहां पर फिर से एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिलेगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का, और रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, राइट। तो यहां पे इस वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा, इसका मतलब अगर नॉर्मल ड्रॉ करो तो कुछ ऐसा नॉर्मल बनेगा। अब रे जा रही है डेंसर टू एयर, जब भी डेंसर से एयर जाती, ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों, गलती ना कर देना दोस्तों, अगर रे डेंसर से एयर जाती है तो क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती, जब भी रे डेंसर से एयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, तो ये बेंड होगी अवे, ये बेंड होगी दोस्तों अवे, ठीक है, तो यहां पर ये थोड़ी सी और बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ये देखो ये नॉर्मल है, ये जो ग्रीन लाइन है नॉर्मल जाना चाहिए इसका ऐसे, लेकिन बेंड होगी इस तरह, क्या ये चीज क्लियर है दोस्तों, नॉर्मल सेंटर इधर आए तो नॉर्मल ऐसा है,
नॉर्मल से अवे, मतलब पहले इतना था अब और ज्यादा वेंट होगी, फिर नॉर्मल से अवे वेंट होगी, क्लियर। चलिए इसका मतलब जो फाइनल इमेज बनी मेरी आई वो यहां पे होगी। हम क्या डिफाइन करते हैं, हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज व्हाट इज वी। वी क्या होता है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज वी कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। यू क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अब ये क्या बना है बेसिकली, ये इंटरमीडिएट इमेज बनी है, क्योंकि जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की इमेज थी क्या वही तो ऑब्जेक्ट है सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस की। तो मैं इसको बोलता हूं आई डैश, दिस इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट इमेज। इसकी भी डिस्टेंस ले रहे थे कुछ, मान लीजिए वी डैश, राइट। हमें रिलेशन निकालना है वी यू और आर वन टू में और यू में, राइट। हमें वी डैश नहीं चाहिए, हमें वी डैश नहीं चाहिए। चलिए आपको कॉन्सेप्ट बताया है दोस्तों स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का, कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। मान लीजिए मैंने एक सरफेस लिए से, ये है वन, ये है म्यू, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है यू डिस्टेंस पे और यहां पे इमेज बन रही है कुछ वी डैश पे, राइट। इसकी इमेज क्या बनेगी वी डैश पे, तो आपको पता है फॉर्मूला म्यू टू बाई वी, यहां पे होगा वी डैश, म्यू टू मतलब सेकेंड मीडियम, ठीक है। देखो ध्यान से, जहां से रे जा रही है वो फर्स्ट मीडियम है मेरा, जहां से स्टार्ट होगी वहां वो फर्स्ट मीडियम है। मतलब ऐसा बोल सकता हूं मैं कि जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके लेफ्ट साइड अगर ऑब्जेक्ट रखा है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है वो म्यू वन और उसके ऑपोजिट साइड म्यू टू, ठीक है। जिस साइड से ऑब्जेक्ट वाली रेज आ रही है या मैं बोलो इंसिडेंट रे आ रही है, वो मेरा एक साइड हो गया आर वन वाला साइड, म्यू वन वाला साइड, और ऑपोजिट साइड हो गया मेरा म्यू टू वाला साइड। क्या चीज क्लियर है आपको, चलिए कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। अब देखो ये मेरी फर्स्ट साइड है, मेरी सेकंड साइड है, क्योंकि मेरे रेज यहां से आ रही है, जहां से रेज आती है वो फर्स्ट साइड, जहां से रेज आती है वो फर्स्ट साइड, ठीक। चलिए जहां से रेज आती है वो फर्स्ट साइड। अब रे है यहां से, ये होगा सेकंड साइड, तो म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू माइनस म्यू वन, म्यू वन कितना वन बाई यू, यू कितना यू, यू यू ही है, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर, म्यू टू माइनस म्यू वन, दैट इज म्यू टू की जगह क्या है यहाँ पे म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई आर। दोस्तों मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं आपको, मैं लगा रहा हूं स्फेरिकल रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला, आपको ध्यान होगा शायद, म्यू टू बाय बी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, राइट। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए तो ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर वन, क्या गई मेरी इक्वेशन नंबर वन। अब क्या होगा देखो दोस्तों, यहां से ये रे जारी होगी सर। अब सेकेंड सर्विस के लिए ये जो रेड वाली रे है क्या ये इंसिडेंट रे, ये डैश डैश बना, जो सेकंड वाली सरफेस है उसके लिए रेड वाली रे इंसिडेंट रे। अगर ये इंसिडेंट रे है तो दोस्तों ध्यान देखो, इंसिडेंट रे वाली साइड म्यू वन और ऑपोजिट साइड म्यू टू, मतलब अब देखो जो म्यू वन था, जो पहले म्यू वन था, अब वो म्यू टू चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। मतलब म्यू वन क्या है, जहां से रे आ रही है, रे कहां से आ रही, ग्लास में से, रे कहां से आ रही, ग्लास में से, तो मेरी म्यू वन की वैल्यू हो जाएगी ग्लास, और जा कहां आ रही है फाइनली एयर में, तो मेरी म्यू टू की वैल्यू हो जाएगी वन, क्लियर। चलिए तो मान लीजिए ये मेरा सेकंड सरफेस लिया, ये म्यू है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेता हूं आर टू, ये आई यहां से मेरा रेंज जा रही है, ऐसे है ना, रेंज जा रही है, बेंड हो गई इस तरह यहां पे, ठीक। चलिए अब ये फॉर्मूला लगाते हैं म्यू टू बाई वी, म्यू टू बाई वी मतलब यहां से मेरी कितनी इमेज बनी, डिस्टेंस कितनी बनेगी, राइट। म्यू टू, म्यू टू मतलब ये लेफ्ट वाली साइड म्यू वन, वो वाली साइड म्यू टू, जिस साइड में इंसिडेंट रहे हो म्यू वन, ऑपोजिट साइड म्यू टू, तो ये जाएगा म्यू टू बाय वी, म्यू टू बाय वी, म्यू टू इज गिवन माइनस म्यू वन बाय यू, म्यू वन क्या ये वाली साइड, दैट इज म्यू बाय वी, वी क्या है, वी बेसिकली पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट अब ये नहीं है, इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये है, इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये, तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा वी डैश, वी डैश, ओके, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर टू। अभी मैंने कुछ भी साइन कन्वेंशन नहीं रखा है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं रखा है, एक बार सॉल्व कर लूंगा उसके बाद में सब कुछ साइन कन्वेंशन रखूंगा। अभी मैंने बिना साइन कन्वेंशन रखे ये दोनों इक्वेशन लिखी, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन नंबर टू, क्या ये चीज क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो मेरा मेन गोल क्या होता है, मेरा गोल है ये इंटरमीडिएट इमेज की पोजिशन को हटाना, इंटरमीडिएट, क्योंकि ये मेरा कोई काम की नहीं है, ये मेरे लिए वेस्ट है, राइट, ये मेरे लिए वेस्ट है। अब ध्यान दो उधर, ये दोनों इक्वेशन है, ये यहाँ म्यू बाय वी डैश है और यहाँ म्यू बाय वी डैश है, यहाँ प्लस में माइनस में, क्या दोनों को ऐड करूँ, हाँ,
अगर मैं दोनों को उठा के ऐड कर देता हूं तो ये जाएगा म्यू बाय बी वन म्यू बाय बी डैश माइनस वन अपॉन यू प्लस यहां देखो ये जाएगा वन अपॉन बी माइनस म्यू अपॉन बी डैश इक्वल टू राइट इक्वल टू अब आगे से ऐड कर दो ये हो जाएगा म्यू माइनस वन बाय आर वन और ये जाएगा प्लस वन माइनस म्यू बाय आर टू क्लियर। अब देखो मैं इसमें हल्के से चेंजेस कर रहा हूं क्या चेंजेस कर रहा हूं ये म्यू माइनस वन है ये वन माइनस म्यू है इसको लिख देता हूं माइनस ऑफ म्यू माइनस वन माइनस ऑफ म्यू माइनस वन तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों ध्यान से देखो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स म्यू माइनस वन क्या चीज क्लियर मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि मैं कॉमन निकालना इसलिए ये हो जाएगा अब ध्यान से देखो म्यू माइनस वन बाहर ये हो जाएगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू क्लियर। अब ये म्यू वी से म्यू बाय वी डैश से म्यू बाय वी डैश यहां से यहां पहुंचे हमारे पास वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू और यही फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेंस मेकर्स फॉर्मूला राइट। अब ये जो क्वांटिटी है म्यू माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू इसी को वो बोल देते हैं कि ये वन अपॉन एफ के बराबर है और एफ इज नथिंग इट इज अ फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ये आपको जो दिख रहा है लेंस इसका फोकल लेंथ हमने वन अपॉन एफ दे दिया बेसिकली फोकल लेंथ एफ दे दिया उसको इक्वेट कर दिया इस पूरी क्वांटिटी को वन अपॉन एफ के क्या ये चीज क्लियर है आपको समझ में आया दोस्तों। अच्छा इसका मतलब आपको एक चीज दिख रही होगी यहां से कि पूरे एक्सप्रेशन में यहां पे वन है यहां पे म्यू है यहां पे वन है ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता क्या मॉडिफिकेशन करता दोस्तों मान लीजिए कि मैं सराउंडिंग मीडियम ले लेता ये मैंने ले लिया म्यू टू और सराउंडिंग में लिया मैंने म्यू वन सराउंडिंग में क्या ले लिया मैंने म्यू वन देखो जहां जहां पर वन आया था वन रखा है वहां पर रख दिया म्यू वन और जहां जहां पर म्यू रखा था वहां रख दिया मैंने म्यू टू तो ये एक्सप्रेशन कैसे चेंज जाएगी जहां जहां वन लिखा हुआ है वहां वहां क्या लिखना है आपको म्यू वन चलो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू यहां पे देखो म्यू टू माइनस म्यू वन बाय वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू राइट इज इक्वल टू यहां पे देखिए ये हो जाएगा म्यू वन बाय बी माइनस म्यू वन बाय यू म्यू वन बाय बी माइनस म्यू वन बाय यू इसको मैं अगर और अच्छे से रिअरेंज करूं तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं देखो ये दोनों इक्वल है म्यू वन कॉमन निकाल लो क्या निकाल लो म्यू वन कॉमन निकाल लो तो ये जाएगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन माइनस वन मैंने क्या निकाल लिया यहां से म्यू वन कॉमन निकाल लिया यहां से म्यू वन कॉमन निकाल लिया राइट तो ये जाएगा म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन जाएगा इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू अगर आप ये फॉर्मूला रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए क्योंकि अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के आसपास चेंज कर दिया तब आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर लाओ अगर म्यू वन की वैल्यू वन है तो आप ये और इजी आपके लिए तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू क्या ये चीज क्लियर है दोस्तों आपको। अब एक चीज आपको यहां पर नोट करना है वो ये कि जो फोकल लेंथ है बेसिकली वो दिख रही है आपको ये पूरी क्वांटिटी है म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू राइट इसी को तो उन्होंने बाद में लिखा है एफ वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ मतलब मेरी वन अपॉन एफ की वैल्यू क्या है म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू ध्यान से देख पे एक पॉइंट को ये जो फोकल लेंथ है क्या वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रही है किसके खुद के भी और सराउंडिंग की भी इसीलिए मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस लेता हूं
तो वो कन्वर्ज भी करता है रेस को, डाइवर्ज भी करता है। इट डिपेंड्स कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है मीडियम के साथ। तो दोस्तों ध्यान से एक पॉइंट नोट कर लीजिए, दैट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन मीडियम, बट द फोकल लेंथ ऑफ मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। मीडियम अगर मिरर को कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उठा के पानी में रख दो, ऑयल में रख दो, उसकी फोकल लेंथ का कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप लेंस को उठा के इधर उधर मीडियम में रख दिया तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो आइए दोस्तों लेते हैं हम एक एंटी क्यूब और समझते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। यहां पर हमें लेंस फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f, और आई कैन राइट म्यू 2 बाय म्यू 1 माइनस 1 बर अपॉन r माइनस 1 अपॉन r2। हम इंटरेस्टेड है फोकल लेंथ निकालने में, मतलब हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये, राइट? म्यू 2 क्या है? मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू 1 क्या है? सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, म्यू मटेरियल डिवाइडेड बाय म्यू सराउंडिंग, दोस्तों ऐसे याद रखना। ठीक, चलिए उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि r1 20 सेंटीमीटर है, r2 30 सेंटीमीटर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दैट इज 3/2 है। आपको इस सिस्टम का क्या निकालना है? फोकल लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ। अब सबसे पहले तो आपको कॉमन सेंस लगाना होता है दोस्तों कि r1 किसको बोलूं और r2 किसको बोलूं, कौन मेरा r1 बनेगा कौन r2 बनेगा। ठीक है, मान लीजिए ये बेसिकली ये दो है मेरा। अब आप डिसाइड कैसे करेंगे कौन r1 बनेगा कौन r2? आपकी कॉमन सेंस। ठीक है, मान लीजिए कि अगर सर्कल छोटा है, सर्कल छोटा है तो क्या रेडियस भी छोटा होगा, और अगर सर्कल बड़ा है तो क्या रेडियस भी बड़ा होगा। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में से ज्यादा दबाव कौन दिख रहा है? ये पीछे वाला, ये ज्यादा दबाव है ऐसे, और ये जो आगे वाला है बेसिकली ये थोड़ा ये वाला है जो ये थोड़ा खुला हुआ दिख रहा है ऐसे। तो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि जो राइट साइड में है उसका रेडियस बड़ा है, और जो पीछे की तरफ है जो ज्यादा कंप्रेस्ड है उसका रेडियस छोटा है। क्लियर दोस्तों? इसका मतलब अगर मैं इसको हटाऊं और यहाँ पे r1 r2 की वैल्यूज पुट करूं तो यहाँ पे हमको समझ में आएगा कि यहाँ बड़ी रेडियस आएगी और यहाँ पे छोटी रेडियस आएगी। ये हमारे कॉमन सेंस ने हमें बताया। जैसे किसने बताया दोस्तों? कॉमन सेंस ने बताया हमें। आ जाइए शुरू करते हैं। हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, राइट? अब मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट यहां रखा है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां रखा, राइट? अब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक होती है r1 एक होती है r2, तो आप बोलोगे कि यार किधर किसको r1 मानना है किसको r2 मानना है? किसी को भी मान लो, आंसर सेम आता है, लेकिन गलती मत कर देना। अगर आप लेफ्ट साइड में रख रहे हो तो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि जो सरफेस पहले इंटरेक्ट कर रही है इंसिडेंट रे से वो r1, और जो बाद में इंटरेक्ट करेगी रे से वो r2। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर रे चली ऐसी तो क्या सरफेस 1 ये हुई, राइट? अगर सरफेस 1 ये हुआ तो मेरा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1, r1 की वैल्यू होगी 20। ठीक है, आपको यहां से r1 r2 नहीं रखना है, अपने दिमाग से रखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, अपने दिमाग से रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? ये हो जाएगा 20। r2 की वैल्यू कितनी आएगी? r2 की वैल्यू होगी 30। अब साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना होता है दोस्तों, साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना होता है, राइट? यहां पर रेज हुई टुवर्ड्स राइट, तो राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव होना। किस्मत अच्छी थी आपकी कि ये भी इसका भी सेंटर राइट में है और इसका भी सेंटर राइट में, दोनों के सेंटर राइट में है, इसलिए दोनों पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम फोकल लेंथ निकालते हैं डायरेक्ट, 1 अपॉन f इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 माइनस 1, म्यू 2 बाय म्यू 1 माइनस 1, म्यू 1 कितना है तो डायरेक्ट दे देना 3/2 माइनस 1, 1 अपॉन r1, मेरा अपॉन r1, r1 कितना है 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 30। तो अब यहां से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10/60, राइट? 10/600, 30 माइनस 20 10, 10/600, राइट? तो ये हो गया कुपाच कुपाच, ये आगे मेरा फोकल लेंथ की वैल्यू होगी 120 सेंटीमीटर प्लस 120 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कैसा बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग लेंस की तरह, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का नेगेटिव होता है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे
कि सर आपने ऑब्जेक्ट पीछे रखा तो आपका आया 120, ऑब्जेक्ट आगे रखोगे तो आपका आंसर आना चाहिए -120। ऐसा नहीं होता। एक सिस्टम के लिए फोकल लेंथ अगर फिक्स हो गई तो वो फिक्स होगी। देखो मैं आपको समझा देता हूँ और अच्छे से। मान लीजिए मैंने फिर से वही सिस्टम लिया, ये पीछे की तरफ, और इस बार मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है दोस्तों? यहाँ पर। ध्यान से देखना, कोई गलती मत करना, आपका आंसर सही आएगा। देखिए यहाँ हम चली रेस, ये रेस चली तो ये वाली डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव और राइट वाली डायरेक्शन हो गई नेगेटिव, करेक्ट। चलिए अंदर वाला का रेडियस कितना है? अंदर वाला है 30 और बाहर वाला है 20। बाहर वाला है 20, राइट। लॉजिक मैंने बताया आपको क्यों बाहर वाला 20 और क्यों अंदर वाला 30। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस बार दोनों सेंटर टुवर्ड्स राइट बन रहे हैं और राइट पे मैंने नेगेटिव माना, राइट। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर आर वन कौन है, 20 या 30, ये कौन डिसाइड करता है? ऑब्जेक्ट और उसकी आने वाली इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे यहाँ टकरा रही है पहले, तो जो आर वन की वैल्यू होगी वो होगी माइनस का 30। माइनस 30 क्यों? क्योंकि इसका रेडियस 30 है और जो आर की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स राइट आ रही है और राइट डायरेक्शन नेगेटिव है। वी ऑलवेज टेक द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टू बी पॉजिटिव। इंसिडेंट रे अगर लेफ्ट में जा रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन लेफ्ट होगी और राइट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब आर टू की वैल्यू सिमिलर थी, आर टू की वैल्यू हो जाएगी -20, लॉजिक वही है सेम टू सेम, राइट। म्यू की वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई है, म्यू वैल्यू 3/2 अभी भी है। अब हमारा आंसर 120 आना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। देखो दोस्तों ये फॉर्मूला लगाते हैं, μ2/μ1 1/f μ2/μ1 -1 1/r1 1/r1 कितना दोस्तों? 1/-30 1/-30 तो क्या -1/30 -1/-20 1/-20 क्या इसको +20 देते हो? तो ये -1/30 +1/20। यहां ध्यान से देखो कि हो जाएगा -1/30 +1/20। क्या दोनों एक्सप्रेशन सेम आ रहे हैं? क्या दोनों एक्सप्रेशन सेम आ रहे हैं? इसका मतलब इधर घुमाओ, इधर घुमाओ, उधर घुमाओ, उधर घुमाओ, घर पे ले आके नाचो, कुछ भी करो आंसर सेम आएगा, कुछ भी करो आंसर सेम आएगा दोस्तों। बस आपको ध्यान रखना होता है कि ऑब्जेक्ट से चलती है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जिस इन सरफेस से टकराती है सबसे पहले उसको बोलता हूं फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, जिस डायरेक्शन में जा रही है वो पॉजिटिव, राइट में जा रही है तो राइट पॉजिटिव, लेफ्ट में जा रही है तो लेफ्ट पॉजिटिव। ये हम साइन कन्वेंशन में बहुत अच्छे से देख चुके हैं दोस्तों। क्या ये चीज आपको क्लियर? और एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल और लेता हूं। चलिए दोस्तों लेते हैं एक और एलडीक्यू और समझते हैं इसकी फोकल लेंथ को। हमें गिवन है R1 वैल्यू 20 सेंटीमीटर, R2 10 सेंटीमीटर, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और सराउंडिंग का 2। ये वैल्यूज हमें गिवन है, राइट। अच्छा अब करना क्या है? हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट लेफ्ट में प्लेस करूं या राइट में प्लेस करूं क्या उससे फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हमने देख लिया, राइट। चलिए मैं एक काम करता हूँ इजी करने के लिए, इसको गोल फोल्ड करता हूँ ऑब्जेक्ट आकर लेफ्ट में। सो लेट्स द इंसिडेंट रे, मतलब राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, लेफ्ट को मानना है, गॉट इट। चलिए अब ये है R1, R1 क्या होगा दोस्तों? R1 देखो आपको राइट साइड में जा रहा है, अगर राइट में है तो ये जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और ये मेरा R2 है क्योंकि जो सरफेस पहले टच होती है इंसिडेंट रे की वो R1 में जाती है, तो ये R2 है। R2 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? -10, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन, राइट। ओके बाकी सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू करते हैं, ये हो जाएगा 1/v -1/u, राइट, इक्वल टू 1/f। और आपको फॉर्मूला बताया 1/f इक्वल टू μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2, राइट। चलिए सो μ2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, दैट इज 3/2 1.5 डिवाइडेड बाय μ1, क्या सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सराउंडिंग कितना है? 2 -1 इंटू 1/r1, 1/r1 कितना है? 1/20 प्लस का 1/20 माइनस, ये कितना है 1/r2? क्या -1/10? तो जाएगा 1/10, क्या माइनस के लिए प्लस लिख दूं? ठीक है चलिए अब ये हो जाएगा
3 बाई टू ये जाएगा 3 बाई फोर माइनस वन, 3 बाई फोर माइनस वन ये जाएगा 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाई 200, 30 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन एफ 3 बाई फोर माइनस वन 30 डिवाइडेड बाई 200 तो ये जाएगा 3 बाई फोर माइनस कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई फोर इंटू 30 डिवाइडेड बाई 200 जीरो ने जीरो मार दिया कितना बचा मेरे पास माइनस 80 बाय 3 फोकल लेंथ की वैल्यू हो गई कितनी माइनस 80 बाय 3 राइट। हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है राइट। क्या ये आपको कॉन्वेक्स लेंस का दिख रहा है? क्या मेरा आंसर नेगेटिव आ गया? क्या मैंने कैलकुलेशन गलत की है? नहीं दोस्तों, कुछ भी गलत नहीं किया है। यहां पर ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हमने जो पढ़ा अभी तक कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसलिए उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। लेकिन मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया कि इट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग मीडियम आल्सो। यहां पर ध्यान से देखिए तो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल के मीडियम से ज्यादा है। इसका मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो हो जाएगी चेंज, इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी चेंज। ये जो पहले डाइवर्ज कर रहा था रेस को, अब वो कन्वर्ज करने लगेगा। मतलब कॉन्वेक्स लेंस इज डाइवर्जिंग द रेस इन दिस केस, व्हिच इज इन जनरल कन्वर्जेस द रेस। क्या जब समझ में आता है? इन जनरल कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द लेंस, बट इन दिस केस इट इज डाइवर्जिंग द रेस। क्लियर?